गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स। टुडे वी सी चैप्टर 17 ऑफ 10th क्लास सोशल साइंस, मुद्रा एवं वित्त प्रणाली। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए बच्चों, हम चैप्टर 17 मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। मुद्रा का प्रमुख कार्य है, मुद्रा का प्रमुख कार्य है, ऑप्शन में देखेंगे, विनिमय का माध्यम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मूल्य संचय, स्थगित भुगतानों का मान, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऑप्शन में देखेंगे, औद्योगिक वित्त में, विकास वित्त में, कृषि वित्त में, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा कृषि वित्त में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य है, विदेशी विनिमय बैंक का प्रमुख कार्य है, ऑप्शन में देखेंगे, जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, उपरोक्त सभी, मुद्रा का विनिमय करना, ठीक है, मुद्रा का विनिमय करना, उपरोक्त सभी नीचे आना चाहिए था लेकिन ये ऊपर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भूमि विकास बैंक किसान को कितनी अवधि के ऋण देता है, भूमि विकास बैंक किसान को कितनी अवधि के ऋण देता है, ऑप्शन में देखेंगे, 10 से 15 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा 15 से 20 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चिट फंड प्रचलित है, ऑप्शन में देखेंगे, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, पूर्वी भारत में। तो इसका राइट आंसर रहेगा दक्षिण भारत में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ऑप्शन में देखेंगे, 1970 में, 1969 में, 1968 में, 1967 में। इसका राइट आंसर रहेगा 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लैटिन भाषा में मुद्रा को कहते हैं, ऑप्शन में देखेंगे, मोनेटा, जूनो, पेक्यूनिया, पेकस। तो इसका राइट आंसर रहेगा मोनेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रणाली कहा जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली करके आवश्यकताओं की पूर्ति करना डैश डैश प्रणाली कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा विनिमय, ठीक है। तो हमें यहाँ पर विनिमय राइट करना है। नेक्स्ट देखेंगे, वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थाएं धन उधार लेकर उसे अन्य जरूरतमंदों को डैश डैश देती है, वित्तीय प्रणाली में वित्तीय संस्थाएं धन उधार लेकर उसे अन्य जरूरतमंदों को डैश डैश देती है। तो इसका आंसर रहेगा ऋण, ठीक है, जरूरतमंदों को ऋण देती है। नेक्स्ट देखेंगे, स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश डैश होती है, स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश डैश होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 20, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिक बैंक उद्योगों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन डेस प्रदान करती है। औद्योगिक बैंक उद्योगों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन डेस प्रदान करती है। इसका आंसर रहेगा ऋण। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऋण राइट करना है। बचत बैंक लोगों की डेस को एकत्रित करती है। बचत बैंक लोगों की डेस को एकत्रित करती है, तो हमें इसका आंसर यहाँ पर राइट करना है बचत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सत्य असत्य को स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर सत्य और असत्य को स्पष्ट करना है। ठीक है, ICICI बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा बैंक है। ICICI बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा बैंक है। ये स्टेटमेंट रोंग है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट करना है या फाल्स राइट करना है। ठीक है, वर्तमान में क्रेडिट एवं एटीएम कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा भी चलन में है। वर्तमान में क्रेडिट एवं एटीएम कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा भी चलन में है, यह स्टेटमेंट राइट है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है, तो ये स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। नेक्स्ट देखेंगे, शाख मुद्रा के अंतर्गत चेक हुंडी ड्राफ्ट आते हैं। शाख मुद्रा के अंतर्गत चेक हुंडी ड्राफ्ट आते हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। ठीक है, सत्य राइट करना है। नेक्स्ट, वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। वस्तुओं का पारस्परिक आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। नेक्स्ट, स्वर्ग आभूषणों की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है। स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी राइट है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर। सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, हमें यहाँ पर सही जोड़ी मिलाना है। हमें टू कॉलम्स दिए गए, अ एंड ब, इन दोनों कॉलम को मिलाना है। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना इसका आंसर रहेगा 1975। ठीक है, नेक्स्ट, जमींदार प्रथा का प्रारंभ इसका आंसर रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो हमें जमींदार प्रथा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस से मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट, बैंकों का बैंक इसका राइट आंसर रहेगा रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंकों का बैंक को हमें रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया से मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला मोबाइल बैंक इसका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश खरगोन। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम। ठीक है, इसका आंसर रहेगा नाबार्ड। ठीक है, तो हमें नाबार्ड से मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, नाबाई की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर देखेंगे, नाबाई की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 1945। 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, एक देश की मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त करना क्या कहलाता है? एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त करना क्या कहलाता है? इसका आंसर रहेगा विदेशी विनिमय। ठीक है, विदेशी विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार की साख के आधार पर जारी मुद्रा क्या कहलाती है? केंद्रीय बैंक के द्वारा सरकार की साख के आधार पर जारी मुद्रा क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा पत्र मुद्रा। ठीक है, पत्र मुद्रा। नेक्स्ट, देश में नोट छापने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? देश में नोट छापने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा केंद्रीय बैंक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर। ठीक है, अब हम यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। मुद्रा की परिभाषा मार्शल या एली के अनुसार दीजिए। मुद्रा की परिभाषा मार्शल या एली के अनुसार दीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, मुद्रा की परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित है, मुद्रा में वे सारी वस्तुएं सम्मिलित है जो किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा जांच के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने या व्यय का भुगतान करने के रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है, किसी समय जो किसी भी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेश अथवा जांच के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने या व्यय करने का भुगतान करने के रूप में स्वीकार की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे प्रोफेसर एली के अनुसार। ठीक है, प्रोफेसर एली के अनुसार मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण होता हो, जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण होता हो, जो सामान्यतः तृषण के अंतर्गत भुगतान में स्वीकार की जाती है, जो सामान्यतः तृषण के अंतर्गत भुगतान में स्वीकार की जाती हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, व्यापारिक बैंक व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाले बैंकों को व्यापारिक या वाणिज्य बैंक कहा जाता है। ठीक है, अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाले बैंक को व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। ये बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करने या बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने के अलावा बैंकिंग संबंधी कार्य भी करते हैं। ठीक है, उन्हें ऋण देने के अलावा बैंकिंग संबंधी कार्य भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर देखें, वित्तीय प्रणाली से आशय वित्तीय संस्थाओं द्वारा हमारी अतिरिक्त आय या बचाव को जमा के रूप में अपने पास रखना। वित्तीय संस्थाओं द्वारा हमारी अतिरिक्त आय या बचत को जमा के रूप में अपने पास रखना तथा जिन व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण के रूप में उधार देना। धन देने की प्रक्रिया वित्तीय प्रणाली कहलाती है। ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग एवं पूर्ति के मध्य समन्वय बनाए रखने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एटीएम क्या है, इसके लाभ लिखिए। ठीक है, एटीएम यानी एटीएम मनी, एनी टाइम मनी नाम से ही स्पष्ट है कि एटीएम से आशय एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। एटीएम कार्ड प्लास्टिक का बना होता है।
एटीएम कार्ड प्लास्टिक का बना होता है और एक ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं, जिसमें धातु की एक चिप लगी होती है, जिसमें धातु की एक चिप लगी रहती है जिस पर बैंक अकाउंट नंबर से संबंधित सभी वितरण दर्ज होते रहते हैं। ठीक है, जिसमें धातु की एक चिप लगी होती है उसमें बैंक अकाउंट नंबर से संबंधित सभी विवरण दर्ज रहते हैं। वास्तविकता यह है कि एटीएम ने बैंकिंग कार्य को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। ठीक है, बैंकिंग कार्यों को अधिक सरल एवं सुविधाजनक बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक बैंक से क्या आशय है। ठीक है, औद्योगिक बैंक से क्या आशय है, इसका आंसर देखेंगे। औद्योगिक बैंक उद्योगों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाली संस्था औद्योगिक बैंक कहलाती है। ठीक है, उद्योगों के लिए माध्यमिक एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाली संस्था औद्योगिक बैंक कहलाती है। ये बैंक उद्योगों को अपने पास से ऋण देने के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने में सहयोग देते हैं। भारत में औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक शाख एवं निवेश निगम औद्योगिक वित्त निगम जैसे संस्थाओं की स्थापना उद्योगों की वित्त व्यवस्था करने के लिए की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनिमय बैंक से क्या आशय है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। विदेशी विनिमय बैंक विदेशी मुद्राओं का लेन देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है। ठीक है, विदेशी मुद्राओं का लेन देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है। ये बैंक अपनी शाखाएं विदेश में स्थापित करती है जिससे विदेशी मुद्राओं के लेन देन का कार्य सरल हो जाता है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि बैंक से क्या आशय है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कृषि व्यवस्था व्यापार तथा उद्योग धंधे से भिन्न होती है, अतः इसकी ऋण संबंधी आवश्यकताएं व्यापार तथा उद्योग धंधों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं से भिन्न होती है। यही कारण है कि किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, यही एक कारण है कि किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय बैंक से क्या आशय है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली की शीर्ष संस्था होती है। इस बैंक का जनता से कोई सीधा संबंध नहीं होता देश की मुद्रा छापने का कार्य इस बैंक के द्वारा किया जाता है यह बैंक सरकार की बैंकर होती है सरकार के सभी प्रकार के खातों का हिसाब रखती है तथा आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ऋण भी देती है यह बैंक बैंकों की बैंक है भारत में केंद्रीय बैंक को रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय बैंक से क्या आशय है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बैंक के अंतर्गत उन बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को निपटाने तथा सदस्य
राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई हो, ठीक है। इसकी स्थापना आर्थिक समस्याओं को निपटाने तथा सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस दिशा में 1945 में दो संस्थाओं विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई है, ठीक है। इस दिशा में 1945 में दो संस्थाओं विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। मुद्रा के प्रमुख कार्यों को लिखिए, मुद्रा के प्रमुख कार्यों को लिखी, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, ठीक है। फर्स्ट, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, क्रय शक्ति का संचय, ठीक है, क्रय शक्ति का संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कृषि को ऋण देने वाली संस्थाओं के नाम लिखिए, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, कृषि को ऋण देने वाली संस्थाएं निम्नलिखित है, कृषि को ऋण देने वाली संस्थाएं निम्नलिखित है, ठीक है। कृषि सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है।